देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे दीदी, तुम्हें मिलने वो सिनेमा वाले आए हैं। कौन थे वो? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आए तुमसे मिलने। अरे जल्दी बाहर आओ ना दीदी। दीदी दीदी बैठिए बैठिए। किधर गए? कौन है? यहाँ से कैसे आ गए आप? मुझे फोन कर दिया होता ना, मैं कितनी बिजी रहती हूँ तो आप जानते हैं ना। और अब तो मेरी एक साउथ की फिल्म आ रही है ना, उसकी शूटिंग करने जा रही थी मैं। वैसे वो हमारी पिक्चर की शूटिंग कब शुरू होने वाली है? मतलब मुझे तो तारीख एडजस्ट करनी पड़ेगी ना। पिक्चर अब नहीं बनेगी। नहीं बनेगी मतलब? वो पिक्चर अब नहीं बनेगी। हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हमने पिक्चर का काम रोक दिया है। हमने आपको जो एडवांस दिया था पिक्चर के लिए, वो ही वापस लेने के लिए आए। हमारे पैसे हमें वापस करो। ऐसे कैसे वापस दे दूं? पैसे वापस नहीं कर सकती मैं। अब आप पिक्चर नहीं बना रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, आपकी पिक्चर के लिए मैंने दूसरी पिक्चर को ना कर दिया है। मैं अब पैसे वापस नहीं करने वाली हूँ। ये डिंपल किसी के पैसे वापस नहीं देती है। देने पड़ेंगे। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें यही लिखा है। तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं केस कर दूंगा तुम पे। तुम ही तय करो, अपना नाम खराब करना है, जेल में जाओगी या हमारे पैसे वापस करोगी। मम्मी, लगता है दीदी अब जेल में जाएगी। हमें फिर से टिफिन सर्विस शुरू करनी होगी। हाँ डिंपल, ये लोग क्या कह रहे हैं? दे दो ना उन्हें उनका पैसा। हाँ। अरे मम्मी, मैं कहाँ से दे दूँ पैसे? मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। साउथ कितनी पिक्चर कर रही हो तुम? तुम्हारे पास डेट्स नहीं है, इतनी बिजी हो, और तुम्हारे पास 2 लाख रुपए नहीं है हमें देने के लिए? 2 लाख? अरे वो तो मैं बस यूं ही कह रही थी, नहीं है मेरे पास पैसे, सच कह रही हूँ। वो हम नहीं जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए। 2 दिन में पैसों का इंतजाम करके रखना, वरना वाड़े पर पुलिस आ जाएगी। दे दूंगी पैसे, मेरी अभी एक नई फिल्म शुरू होने वाली है ना, जैसे ही उसका एडवांस पैसा आता मैं आपको दे दूंगी। देने ही पड़ेंगे, इंतजार करूंगा मैं। चलो यहाँ से। हे भगवान, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? क्या है? फोन कट गया, तुझे समझ नहीं आ रहा है? क्यों बार बार फोन कर रही है, कल है या नहीं? देख मैं अभी बिजी हूँ, फोन रख। देखिए, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसीलिए फोन किया। काहे की चिंता? चिंता वगैरह कुछ नहीं, तू हमेशा मुझे परेशान करने के लिए फोन करती रहती है। दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत है तू। मुझे कभी भी चैन से काम नहीं करने देती तू। हाँ चलो ना, फोन रख। इनका क्या जरूरी काम चल रहा है ना, ये पता न चले। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अब ये बेवकूफ औरत क्या कर सकती है, इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्टर, अब सब आपके हाथ में है। मुझे यकीन है मैं आपकी मदद से खुद की पहचान जरूर बना पाऊंगी। डॉक्टर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा।
नहीं नहीं नहीं, पिछली बार तो जान जाते जाते बच गई थी मेरी, मैं इस बार कोई खतरा नहीं लेने वाली हूँ। क्या करूँ, रिस्क लूँ या ना लूँ? नहीं, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, वरना जिंदगी भर मुझे यूं ही कंगाल रहना पड़ेगा। डॉक्टर का कुछ ना कुछ तो जरूर सीक्रेट होगा, वरना वो ऐसे नहीं चाहते। जाकर देखना ही होगा। ये दरवाजा तो बंद है, इसका मतलब डॉक्टर इधर से ही गए हैं। डॉक्टर ने जरूर यहाँ को छुपा कर रखा होगा, कहीं इसीलिए तो ये गांव में वापस नहीं आए। हे भगवान, मतलब इनके पैसे का बैग चुराने से पहले ही इनके पास दो दो पैसे के बैग थे, और ऐसे छुपा कर रखा था कि मुझे पता ही नहीं चलने दिया। कुछ भी बोलिए आप डॉक्टर, आप जैसा शातिर आदमी ना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी मेहनत के पैसे मिट्टी में नहीं मिल सकते। इन्हीं पैसों के लिए तो राजस्थान से यहाँ आया था। इन्हीं पैसों के बलबूते पर बहुत बड़ा खेल रचना था। चले गए, सारे पैसे मिट्टी में मिल गए। अब तो आप कंगाल हो गए डॉक्टर। ऐसा किसने बताया था आपको इन पैसों को यूं जमीन में छुपाने के लिए? भीख मांगने की नौबत आ गई ना डॉक्टर। हो गए डॉक्टर कंगाल हो गए। एक भी नोट नहीं बचा है। डॉक्टर आया, एक मिनट। आप आइए ना, आइए आइए ना, बैठिए। इतनी सुबह सुबह यहाँ कुछ काम था आपका? हाँ, बहुत जरूरी काम था। आपने कहा था ना अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए, तो अब बताइए क्या करना होगा मुझे? कितने हैं? होंगे 30-40 हज़ार रुपए। कितनी बेवकूफ औरत है, ये कम से कम 2 लाख तो होंगे ही। चलो अब भीख मांगने की बारी इसकी भी आ गई। हे भगवान, मैं क्या कह रही हूँ, ये पैसे आप अपने पास रखिए। वो सड़क का काम खत्म करना है ना, अब प्रेशर को आ जाइए, फिर हम मिलकर देखते हैं इन पैसों का क्या करना है। हाँ। मैं चलती हूँ।
डॉक्टर, क्या कमाल का शिकार किया है आपने। पहले तो मुझे आप पर डाउट हो रहा था। अपना हाथ दिखाना जरा। किस लिए? अरे कितना पैसा है आपके हाथों में। लेकिन कुछ भी कहिए, एक तरफ से गए तो दूसरी तरफ से पैसे आ ही जाते हैं आपके पास। आ नहीं जाते, मैं ले आता हूँ। अरे चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसकी वजह से आते हैं? मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपकी मदद करती हूँ ना, इसलिए। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अब यही देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर काम किया है ना, इसीलिए पैसे मिले हैं। हम दोनों ने क्या किया? मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है और आगे से होगी भी नहीं। डॉक्टर ऐसा मत कहिए, मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है। आप ही बताइए मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। अच्छा आपकी कसम, मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी, लेकिन इस बार मदद कीजिए डॉक्टर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है अभी। अच्छा ठीक है, रुको, रोना मत। वैसे भी मुझे लोगों का दुख देखा नहीं चाहता। देता हूँ तुम्हें पैसे। मुझे पता था कि आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे, भगवान के अवतार हैं आप। 2 लाख चाहिए थे? हाँ ये लो, बस इसी के लायक हो तुम, 1 रुपए के। पैसों की गर्मी दिखा रहे हो ना डॉक्टर। जैसे ये सिक्का जमीन पर नाच रहा था ना, तुम्हें भी उसी तरह नहीं नचाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी डिंपल नहीं। डॉक्टर देखा, एक ही दिन में कितना काम हो गया। 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अगर 8 दिन में काम पूरा हो गया तो इसका गांव में आना बंद हो जाएगा। फिर कौन से बहाने से आएगी? इसे गांव आने के लिए कोई बहाना नहीं रहेगा। ये 8 दिन में यहाँ से चली जाएगी। उसके पहले ही इसे पैसे निकलवाने होंगे। डॉक्टर कहाँ खो गए आप? नहीं ऐसी बात नहीं, वो कुछ दिनों बाद हम मिल नहीं पाएंगे, इसी बात का बुरा लग रहा है। किसने कहा कि हम नहीं मिलेंगे? आपने मुझसे बिजनेस के बारे में कहा था ना? हाँ मैडम, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ पे हैं। आपको देना था ना वो हल्दी कुमकुम। गांव की औरतों ने हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा है ना, उसी का न्योता देने आया आपको मैं। यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, एक होनहार स्त्री को देख रहा हूँ। यहाँ धूप कुछ ज्यादा ही है, हम पंचायत के दफ्तर में जाकर बात कर सकते हैं? हाँ मतलब मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए। आइए मैडम बैठिए। नहीं नहीं आप बैठिए। ठीक है आप यहाँ बैठिए। बोलिए क्या बात करनी थी? आपने आपके पैसे मेरे पास दिए हैं तो उसी से आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें डबल करके दूंगा। डबल करके देंगे मतलब? फर्ज करना आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं उसके 2 बना दूंगा। 2 होंगे तो 4 कर दूंगा। कुछ भी, कैसे मुमकिन है ये, आप जादूगर हैं। हाँ आप वैसे समझ सकती हैं, वो क्या है ना कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है मुझे। डॉक्टर सच में हो सकता है क्या ये? हाँ आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आज वाड़े पर आ जाइए, अपनी आंखों से देख लीजिए, लेकिन ये किसी को बताना मत। मैं आपको अपनी करीबी मानता हूँ, इसीलिए ये आपको दिखाने वाला हूँ, और आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, बाहर किसी को पता ना चलने पाए। मैं इंतजार करूंगा, जरूर आना। अरे पंचायत में कोई है क्या?
है ना। हे भगवान, लगता ही आ गए। आप डरिए मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। Excuse me, sir. खम्मागणी। नमस्कार डॉक्टर, कैसा काम कर रही है हमारी पत्नी? ठीक से कर रही है ना? अच्छा कर रही है, लेकिन इसमें आपका घाटा है। नहीं मतलब वो जिस स्पीड से काम कर रही हैं, वो काम तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर वो आपके पीछे पड़ने के लिए फ्री हो जाएंगे। डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी किचकिच से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, ये काम और कुछ दिनों तक खत्म ना हो इसकी कोशिश कीजिए। वो अंदर ही है। नीलम, ए नीलम, क्या हुआ? ये कैसे काम कर रही हो तुम? मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। एक काम करो, नए गड्ढे खोदो, उसमें जो पाइप है ना उन्हें निकाल दो। अरे कितने हल्के पाइप लग रहे हैं वो। दूसरे ले आना, नए गड्ढे खोद कर उसमें पाइप लगवा देना। इस काम के लिए महीना भी लगेगा तो चलेगा। हाँ लेकिन। तुम चुप रहो, एक लफ्ज भी नहीं बोलना। अब जैसे मैं कहूंगा ना वैसे ही काम करना है तुम्हें। तब तक मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। मुझे लगता है यही वो समय है मैडम। नहीं, अगर आप अपने आप को साबित करना चाहती हैं या उन्हें कुछ कर दिखाना चाहती हैं तो यही समय है। डॉक्टर, हम अभी काम शुरू कर देते हैं। अब आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगी। इस इंसान की सारी अकड़ निकालनी है मुझे। ठीक है, तो आज शाम वाड़े पर जरूर आइए। चलता हूँ। बिंध्या ने जो बोला वो सच है क्या ना मिया? सच है क्या मतलब? वो क्यों झूठ बोलेगा? अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो फूटो यहाँ से, चलो। ऐसी बात नहीं है नामिया, पैसे डबल की बात है तो तसल्ली तो करनी चाहिए ना। ए बाजू, नामिया, मेरे पैसे डबल हुए क्या? क्यों नहीं, ये आपने दिया था और ये डबल हो गया, ये लो। ठीक है। अरे रुको रुको, ये आपको पैसे मिले इसका साइन करो। ठीक है, और कुछ? इतना ही ना? हाँ हाँ, करो करो। हाँ हो गया, तो अब चलूं मैं? लेकिन बड़े एहसान हो गए तुम्हारे, पैसों की बहुत जरूरत थी, तुमने काम कर दिया। चलो अब चलता हूँ। अरे ये सच में कर रहा है डबल? ये नामिया मेरा, ये मेरा भी। अरे अरे गड़बड़ मत करो, लाइन से आओ, लाइन से आओ, लाइन से, लाइन से, ज्यादा बात नहीं, चलो पीछे, पैसों की बात है। आपको करने के डबल? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो ना, चलो लाइन में आओ, लाइन में आओ, पीछे। नाम बताओ। हो गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मतलब अब तक विश्वास नहीं है तुझे? संभल के नामिया, ये सब भारी पड़ सकता है तुझे। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो रोएगा, तब मेरे पास मत आना, बता देता हूँ एक ही घूसे में। आया बड़ा पैसे डबल करने। डॉक्टर आइए ना, चाय बना रही हूँ। नहीं, सरपंच जी ने आपको न्योता दिया है। दीजिए, अंदर रख देती हूँ। क्या? वही सरपंच जी ने जो न्योता दिया है ना। अरे मम्मी, वो न्योता है ना, मतलब निमंत्रण, वो हमें स्कूल में सिखाया है। हाँ हाँ, वो आज मकर संक्रांति है ना, उसके उपलक्ष्य में गांव में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, उसी के लिए आपको बुलाया है और डिंपल जी आपको भी बुलाया है। तो मेरे बगैर ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, गांव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन हूँ मैं। डिंपल, ए डिंपल। डॉक्टर नमस्ते। खम्मागणी, सुनो मंगल भाभी,
डिंपल को ना गांव की औरतों ने हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया। डिंपल टाइम पे आ जा रहा। हाँ। इंतजार कर रहे हो? आ गए ना सब लोग, तो आप कार्यक्रम की शुरुआत करो ना। अरे सरुआ जी, वो कॉन्ट्रैक्टर मैडम आ रही है ना, वो आते ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्यों? गांव में इतनी वर्ल्ड फेमस हीरोइन होते हुए भी उस औरत को बुलाने की यहाँ पर क्या जरूरत थी? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया फिर आप लोगों ने? लमा तो जाएगी ना, कुछ भी हो जाए आनी ही चाहिए। उसके दिए हुए 2 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, मुझे और पैसे चाहिए। खम्मा गणी, मैं आपकी ही राह देख रहा था, आइए ना अंदर चलते हैं। आइए ना, आई। डॉक्टर। अरे मेरे होते हुए किस बात का डर? दरवाजा सिर्फ बंद किया है, कुंडी नहीं लगाई है। नहीं, बड़े सालों बाद यूं किसी से छुपकर मिलने आई हूं। स्वप्निल भी ऐसे ही कहते थे। नीलू, मेरे होते हुए किस बात का डर? हाँ? अच्छा डॉक्टर, मुझे प्रोग्राम में जाना है, वो पैसे डबल। हाँ। आपकी पर्स में अगर कोई नोट होगी तो दीजिए। देखिए मेरे हाथ में कितने नोट हैं? एक। ठीक से देखिए, यहाँ कुछ है? नहीं। यहाँ? नहीं। ठीक से देखिए, एक ही नोट है, इसका नाम पाताळगंज। इसके अंदर कुछ दिख रहा है? ठीक से देखिए, नहीं, कुछ भी नहीं है। अब ये नोट पाताळगंज के अंदर जाएगी। हे पाताळगंज, कर दे दुगनी। कैसे हो सकता है? डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? हाँ गए लगता है। हाँ, ये क्या है? सिर्फ कंडक्टर ही आया है। नीलम आई क्या यहाँ? अरे नहीं आई ना। अरे नहीं आई है, हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। क्या, यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? डॉक्टर, अब देखिए आप, ये डिंपल आपकी कैसे वाट लगाती है। मुझे मालूम है आपकी बीवी कहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए चलो। मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप यहीं पर रुकिए। डॉक्टर, ऐसे जादू से तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। हम? अरे नहीं,
ये जादू मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, मतलब वैसी इजाजत ही नहीं है मुझे, मैं सिर्फ ये लोगों के लिए करता हूँ। और वो इसके बारे में बाहर किसी को बता नहीं सकते, अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो मुझे खून की उल्टी हो जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए प्लीज ये बाहर किसी को मत बताइए, आपके पति को भी नहीं। नहीं डॉक्टर, लेकिन यूं मरने की बातें मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी आपकी कसम। तुम यहां? इसलिए गांव में आते हो तुम हा? और यहां आकर ये करते हो तुम? चल घर चल, तुझे बताता हूँ। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है, सुनिए सर, हम बात कर सकते हैं सर। डॉक्टर मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। नहीं नहीं वो मुझे याद आया, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? हाँ वो तो चाहिए थे, 2 लाख रुपए। हाँ सिर्फ डॉक्टर वो चिट्ठी मेरे पास है अभी भी, मैं मर जाती ना, मैंने कहा ना आपसे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। चले नाटक बंद करो, ये तुम्हारा बहुत पुरानी पहचान है तुमसे, डिंपल तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, फिर से अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर मैं क्यों आपके रास्ते में आऊंगी, बल्कि आपके रास्ते में कोई और ना आ जाए इसलिए कह रही हूँ पार्टनरशिप कर लीजिए। अभी अगर हमारी पार्टनरशिप होती ना तो मैंने अभी आपको फोन करके बता दिया होता कि उसका पति आ रहा है। ठीक है सब कुछ अगर आपको अकेले ही करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तो उसके पति ने आपको पकड़ा है, अगर फिर से पकड़े गए तो ये मत कहना कि मैंने कुछ बोला नहीं था आपको। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। जाती हूँ मैं। मैं भी देखती हूँ कैसे आप मुझे अपना पार्टनर नहीं बनाते हैं। क्या है? कुछ नहीं। तो अब निकलो यहाँ से। चल अंदर चल। क्या काम था तेरा उस डॉक्टर के पास? तुझे एक काम क्या दे दिया? तू खुद को होशियार समझने लगी? तुझे क्या लगा तू अपनी मनमानी करेगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? मार डाला है मुझे, मारो जान ले लो मेरी, लेकिन जैसे आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, माँ की कसम। आपके मन में गंदगी इसलिए गंदी बातें सोच रहे हैं। जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, मेरी इजाजत के बिना किसी से नहीं मिलोगी तुम और ना ही कुछ करोगी। आप सुनते हैं मेरी बात? हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन उस औरत को घर लेकर आ गए, उसे अंदर बेडरूम में लेकर गए, लड़कियों पर कितना पैसा लुटाया आपने, ये सब मुझसे पूछ कर किया था क्या? मुंह बंद कर अपना। क्यों बंद रखूं? डॉक्टर गांव के एक इज्जतदार इंसान है, सब लोग उनसे मशवरा लेते हैं, तो मैं भी मेरे काम के बारे में उनसे पूछने के लिए चली गई थी, और हमें एक साथ देखकर छी, आप इसे सोच भी कैसे सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, उन लड़कियों के साथ मैंने आपको न जाने कैसी कैसी हालत में देखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना तुम, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे मत सिखाओ तुम, मुझे अच्छे से जानती हो तुम कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर जीना है, ज्यादा भौंकेगी ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी। मैं भी आपको दिखा दूंगी कि मैं कितनी होशियार हूँ। नाम्या ये ले मेरे 10,000। अरे जब मेरी उधारी देनी थी तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, अभी 10,000 कहाँ से आए? वो क्या हुआ ना
बीवी के जेवर बेच दिए, उससे कहा कि पैसे डबल हो जाएंगे, तब तुम्हें दुगने जेवर बनवा दूंगा। 20 नहीं 18,000, 10% मेरा कमीशन, भूलने का नहीं। अरे नहीं भूलूंगा बाबा। नाम्या, तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो, हम तुम्हारा कमीशन कैसे भूल जाएंगे? अच्छा मुझे बताओ ना, कितने दिनों में डबल हो जाएंगे? अरे अभी तो पैसे दिए ना तूने, हैं? और तुरंत डबल चाहिए। सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरे पास बहुत लोगों के पैसे आ चुके, तो अभी जिन्होंने पैसे दिए उन्हें ठीक 1 महीने बाद आना होगा और डबल हुए पैसे ले जाना होगा, और मेरा कमीशन कोई भी भूलेगा नहीं, समझ गए? चलो। अरे नम्या, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, डबल करके दे रहा है? ठीक है, मैं सब बात तुम्हें बताता हूँ, और जो 10% कमीशन मुझे मिलने वाला है ना, वो मैं गवा देता हूँ। अरे आपको मिल रहे पैसे डबल करके चुपचाप ले लो ना, अगर समझो मैं आपको बता दूँ तो आप डायरेक्ट जाओगे और पैसे ले आओगे, और मेरा कमीशन गया। और अभी तो डॉक्टर के गुरु की वजह से अच्छे दिन आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, रहने दो ना। है क्यों रोड़ा बन रहे हो? कितना पैसे डबल करना है वो बोलो। 500। डॉक्टर के गुरु के दर्शन लेने चाहिए, अपने भी दिन बदलेंगे। तिलगुड़ लो, मीठी बातें करो, सरु अजी हाथ आगे करो। आजी, अरे कलमुए, मुझसे तो 5-10 साल तुम बड़े हो और मुझे आजी बुला रहे हो, तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं? और कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में, सड़े तुम्हारी गंदी जुबान। मेरा तिलगुड़ वापस कर, तिलगुड़ खाने के बाद भी तो मीठी बातें कर ही नहीं सकती है, दे वापस। ले। ना 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 ना। अरे अरे आजी, तुमने देखा क्या क्या चल रहा है? मेरा मतलब वो पत्थर है ना, पूरा पैसों से भरा हुआ है, पत्थर तो दिख ही नहीं रहा, अब हमारे मजे ही मजे। अरे गधे के दिमाग वाले बंदर, मुफ्त का चंदन और घिसे मेरे नंदन, अरे बिल्कुल छूना नहीं इस कंपाउंडर की कोड़ी को। टोनिया, उठा वो पत्थर और फेंक दे इस वाड़े के बाहर। ऐसे मत कर टोनिया। अरे अरे अजी की बात मत सुन। अरे अरे क्या बोला ना? अरे ऐसा मत कर रे। अरे अरे ये कैसी अवस्थी? ए, क्या हो गया तुझे? पैर में मोच आ गई है मेरे, और कुछ नहीं। क्या? और कुछ नहीं। दिखो कहाँ मोच आई है? अब उसमें देखने का क्या है, बताया तो पैर में मोच आ गई है। अरे 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 देखो, जागृत देवस्थान है ये तो। गुरुजी ने सजा दी है, अभी तो सिर्फ पत्थर को हाथ लगाने गया था और पैर में मोच आ गई। नहीं 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 नहीं, देखो ये तो अभी छोटा बच्चा है ना, इसलिए सिर्फ पैर में मोच आई है, कोई बड़ा होता तो गुरुजी उसकी जान ही ले लेते एक ही घूसे में। हाँ वजह सही कहा। अरे कमाल हो गया, इनके इसमें बहुत वो है। हाँ? हाँ? मतलब डॉक्टर के गुरु में बहुत शक्ति है। चलो इनका ये लेते, मेरा मतलब दर्शन है। चलो चलो। ए टोनिया हट जा, हमें दर्शन करने दे। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। फायदा नहीं है, जिस औरत का आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो तो अब नहीं आने वाली है।
उसके दिए हुए पैसे लेने आई होगी वो। अरे डॉक्टर, आज आप बाहर खमागणी। आपके पति ने आपको कुछ कहा? कुछ तकलीफ या मारपीट तो नहीं की ना? अरे डॉक्टर, आपको कितनी फिक्र रहती है मेरी। ये तो हमारा रोज का झगड़ा है, और हाँ, उन्होंने मुझे मारा वारा नहीं है। और वैसे भी शाम होने के बाद वो कहाँ होश में रहते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? लगता है पूरा स्टू ढीला ही इस औरत का। चलिए ना, हम ऊपर चलकर बात करते हैं। वो दर्शन कर लेती हूँ। हाँ। आइए ना। बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। ये रखिए आपके पैसे। आप मुझ पर विश्वास करके फिर से पैसे ले आईं। मैं क्या कहूं आपसे? आप अगर थोड़ी और होशियार होती ना, आपको पागल तो कह सकता मैं। कुछ भी। अपने हाथों से पैसे रखिए। मैं? हाँ, ये चाबी। आपके पति ने आपको पक्का कुछ नहीं किया ना? औरतों को तकलीफ देने वाले आदमियों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप इतना दिल पर मत लीजिए। अच्छा, मुझे चलना चाहिए इससे पहले कि इनकी उतर जाए। हाँ, जाते हुए आती हूँ, ऐसे कहते हैं नीलू। क्या कहा? निकलते वक्त हमेशा आती हूँ कहते हैं। उसके बाद नीलू, सॉरी। हाँ, मेरा मतलब आपको अगर बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे सिर्फ कोई बहुत ही गरीबी व्यक्ति, कोई बहुत ही खास व्यक्ति इस नाम से बुलाया करता था, है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्या मतलब कैसे पता चला? देखिए, आपकी आंखों में सब दिख रहा है, चेहरा कितना खिल गया है आपका। कौन था वो? अब आप से क्या छुपाना डॉक्टर, स्वप्निल नाम था उसका। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा। हमने एक साथ कितने ख्वाब देखे थे। मतलब वो हमेशा कहता था, नीलू आज हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे, वहाँ रहने जाएंगे। हमेशा नीलू नीलू करता रहता था। लेकिन जयसिंह के यहाँ से रिश्ता आया तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद जब उन्हें स्वप्निल के बारे में पता चला, तब उन्होंने बहुत मारा उसे, और इसी वजह से उसकी उसी में उसकी क्या? कुछ नहीं। नहीं, अभी आप कुछ कह रही थी। उसी में उसकी आगे क्या? उसी में उसकी जान चली गई। वो मर गया, किसी को पता न चले, इसलिए हमारे फार्म हाउस में दफनाया है। और लोगों को लगता है कि वो मेरे प्यार में पागल हुआ और कहीं दूर चला गया। और ये किसी से ना कहो इसलिए धमकी दी थी मुझे। अरे बाप रे, अब मैं चलती हूँ। हाँ, आती हूँ मैं। नटवर जी। हाँ, नट्टू। हाँ, आप मुझे नट्टू कह सकती हैं। नट्टू। अच्छा, जाती हूँ, नहीं आती हूँ, चलती हूँ।
आप अभी तक यहीं हो? क्या करूं? पैर यहां से निकल ही नहीं रहे हैं ना नीलू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बाय। बाय। बाय बाय। डॉक्टर, आज तो आप किसी तरह इसके पति से बच गए हैं, लेकिन ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप बचने वाले हैं। आपका खेल अब खलास।